दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो रिलेटेड है आपकी डेटा केबल से। और आपको पता होगा कि सर्दियों के मौसम में अक्सर डेटा केबलें सिकुड़ जाती हैं और जिसके बाद वो टूट जाती हैं। और जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको वहाँ पर कई टाइप की डाटा केबल देखने को मिल जाती है, लेकिन आप उसमें से कन्फ्यूज भी हो जाते हो कि आपको कौन सी डेटा केबल खरीदनी है, क्योंकि आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और साथ में आपको डेटा केबल का आउटपुट भी बढ़िया चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट में मैं आपके लिए ले आया हूँ चार कंपनियों के अलग अलग डेटा केबल, जिसमें से पहली है रिवेरा कंपनी की और यह डेटा केबल सबसे बढ़िया क्वालिटी की है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें 85 वॉट का आउटपुट दिया गया है। दूसरी जो डेटा केबल हमारे पास है वो है आइकनॉक्स कंपनी की और इस डेटा केबल की भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि यह 100 वॉट की आउटपुट को दे सकता है। साथ ही में इस डेटा केबल की लेंथ भी आपको 1 मीटर के लगभग मिल जाएगी। तीसरी जो डेटा केबल है वो है यूबॉन कंपनी की और आपको मैक्सिमम रिटेलर स्टोर पे आजकल यही डेटा केबल देखने को मिल जाएगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि यह डेटा केबल कितनी लंबी है, इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका आउटपुट कैसा है। और चौथी जो डेटा केबल आज की डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में आ रही है वो है जूक कंपनी की और हम इस डेटा केबल के बारे में भी जानेंगे कि यह डेटा केबल किस तरह का आउटपुट देती है, इसकी क्वालिटी कैसी है और यह कितनी लंबी है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले यूबॉन की इस केबल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे है। और यूबॉन की इस केबल पे आप नीचे की साइड देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 2.4 एम्पियर की और इसकी लेंथ 1000 mm दी गई है, मतलब यह 1 मीटर के लगभग है और नीचे की साइड फास्ट चार्ज एक्सपर्ट भी लिखा हुआ है। तो बाद में इसको एम्पियर ऐप से कनेक्ट कर देखेंगे कि यह कितनी फास्ट इस फोन को चार्ज कर पाती है। तो दोस्तों ये रही यूबॉन की टाइप सी डेटा केबल जिसकी क्वालिटी को आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी क्वालिटी तो ठीक ठाक नजर आ रही है और काफी मोटी भी ये डेटा केबल है। अब इसको साइड में रखते हैं और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है जूक, उसकी डेटा केबल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों ये जूक की डेटा केबल भी आपको 100 रुपए से नीचे मार्केट में मिल जाएगी और इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। तो हमने इस डेटा केबल को ओपन कर दिया है और ये डेटा केबल उस यूबॉन के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा मोटी लग रही है और इसकी क्वालिटी भी थोड़ा अच्छी लग रही है, लेकिन बाद में एम्पियर ऐप से कनेक्ट करके देखेंगे कितनी ज्यादा पावर सप्लाई कर पाती है। अब हमारे पास जो तीसरी डेटा केबल है वो है रिवेरा कंपनी की और इसमें आप देख सकते हैं 85 वॉट लिखा हुआ है और ये डेटा केबल आपको रेड कलर की मिल जाएगी। जैसे आपको वन प्लस अपनी डेटा केबल को प्रोवाइड करता है वैसे ही कलर की ये डेटा केबल मिलेगी और लगभग इसकी क्वालिटी भी उसी की जैसी है और यह डेटा केबल भी आपको 1 मीटर के लगभग मिलेगी, लेकिन इसका प्राइस औरों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है। ये डेटा केबल आपको मार्केट में 200 रुपए के लगभग पड़ेगी। इस डेटा केबल को हमने ओपन कर दिया है और आप देख सकते हो कि जगह जगह पे रिवेरा की ब्रांडिंग की गई है और इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों वही बात है कि लास्ट में हम आउटपुट देखेंगे कि कौन सी डेटा केबल कितना ज्यादा आउटपुट दे पाती है। तो फिलहाल इसको भी साइड कर देते हैं। और जो चौथी डेटा केबल हमारे पास है वो है आइकनॉक्स की और इस पे आप देख सकते हो फ्रंट में लिखा इंडिया सुपर फास्ट चार्जिंग डेटा केबल और यह 100 वाट का क्लेम करती है। डेटा केबल जो है टाइप ए टू टाइप सी है और इस डेटा केबल को जरूर हम देखेंगे क्योंकि इसकी कंपनी ने क्लेम किया है कि यह 100 वॉट की पावर सप्लाई को दे पाती है। डेटा केबल के बैक साइड पे मेड इन इंडिया का लोगो और MRP 249 रुपीज लिखा है, लेकिन ये डेटा केबल आपको मार्केट में 150 रुपए के लगभग पड़ जाएगी और इसकी लेंथ 1 मीटर है। अब इस डेटा केबल को ओपन करते हैं और देखते हैं सच में इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों ये डेटा केबल भी रेड कलर में आती है और इस पे भी हमें जगह जगह आइकनॉक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये डेटा केबल भी आपको रिवेरा की डेटा केबल की जैसे लगेगी, लेकिन रिवेरा की डेटा केबल आपको थोड़ा मोटी लगेगी और उसकी क्वालिटी इससे बढ़िया है। अब इन सभी डेटा केबलों को एम्पियर ऐप से कनेक्ट करते हैं और उनका आउटपुट चेक कर पाते हैं कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सच में उतनी आउटपुट दे पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास 80 वॉट का वन प्लस का चार्जर है और इसी से हम सभी डेटा केबल के आउटपुट को चेक करेंगे। दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पे यूबॉन की टाइप सी डेटा केबल को लगा दिया है और कंपनी के द्वारा इसका क्लेम किया गया था कि इसका आउटपुट जो है 2.4 एम्पियर है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यह 2790 मिली एम्पियर की मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है और इसका जो मिनिमम आउटपुट है वो 640 मिली एम्पियर है और मैक्सिमम आउटपुट जो है 2790 एम्पियर है। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूबॉन की ये डेटा केबल एक फास्ट चार्जिंग डेटा केबल है और आपको एक अच्छे प्राइस में यह डेटा केबल मिल रही है। अब दूसरी डेटा केबल को अब इस डेटा केबल को हटा देते हैं और उसकी जगह दूसरी डेटा केबल को लगा देते हैं जो कि हमारे पास है जूक कंपनी की। दोस्तों हमने यहाँ पे इस फोन के साथ जूक की डेटा केबल को कनेक्ट कर दिया है
और इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो है 2800 मिली एम्पियर का और जो मिनिमम आउटपुट है वो है 860 मिली एम्पियर का और कंटिन्यूस ये 2790 और 2800 मिली एम्पियर की आउटपुट को दे रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह भी एक पावर डेटा केबल है और 100 रुपीज के अंडर ये यूबोन और जूक की डेटा केबल आती है जो की एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। जो कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया था वो क्लेम सही है और ये डेटा केबल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों जो हमने इस पे तीसरी डेटा केबल लगाई है वो है आइकोनॉक्स कंपनी की ओर से आने वाली और इसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि यह 100 वॉट के आउटपुट को सपोर्ट करती है और इसकी लेंथ 1 मीटर के लगभग है और इसका प्राइस 249 रुपीज है लेकिन यह डेटा केबल आपको मार्केट में 150 के लगभग पड़ जाएगी। अब इस डेटा केबल को हमने फोन से कनेक्ट कर दिया है और इसका आउटपुट देखते हैं। दोस्तों इस डेटा केबल का मैक्सिमम आउटपुट आपको 2810 मिली एम्पियर का पड़ेगा और मिनिमम आउटपुट आपको 860 मिली एम्पियर का पड़ रहा है जो कि कंपनी ने क्लेम किया है वो सही है और कंपनी के द्वारा इसमें जो 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करने की बात कही गई थी वो योर डेटा केबल सपोर्ट कर रही है। अगर आपके पास 100 वॉट से अधिक का एडेप्टर है तो योर डेटा केबल उस पे सपोर्ट कर जाएगी और यह कंटिन्यूस अभी 2770 और 2800 के ऊपर काम कर रही है जिससे यह बात सही हो जाती है कि यह एक पावर चार्जिंग डेटा केबल है। दोस्तों जो चौथी डेटा केबल हमारे पास है वो रिबेरा कंपनी की और सबसे कॉस्टली डेटा केबल यही है। इस डेटा केबल का प्राइस आपको 200 रुपए का लगभग पड़ेगा और कंपनी क्लेम करती है कि यह 85 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही में डेटा केबल की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है और इसकी लेंथ भी आपको 1 मीटर के लगभग मिल जाएगी और कंपनी ने क्लेम किया है कि यह मेक इन इंडिया है, नॉट मेड इन इंडिया, यह मेक इन इंडिया है। तो इसको आप एम्पियर ऐप से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि यह सच में कितनी चार्जिंग को दे पाती है। दोस्तों अब हमने इस रिवेरा कंपनी की डेटा केबल को फोन से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मैक्सिमम आउटपुट आपको 2810 मिली एम्पियर का दिया और मिनिमम आउटपुट आपको 740 मिली एम्पियर का है और यह कंटिन्यूस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 2820 के लगभग चला गया। तो कह सकते हैं दोस्तों कि और कंपनी की तुलना में ये रिवेरा कंपनी की डेटा केबल जो कि 85 वॉट के साथ आती है यह सबसे ज्यादा मिली एम्पियर को सबसे ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड कर रही है जो कि 2820 के लगभग हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि यह भी एक फास्ट डेटा केबल है। दोस्तों अब कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको इनमें से कौन सी डेटा केबल परचेस करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई 100 वॉट का या 80 वॉट का कोई फास्ट चार्जिंग है तो आप इनमें से कोई सी भी डेटा केबल को ले जाओ, आपका फोन हमेशा ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपको डेटा केबल की क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो आप रिवेरा की 85 वॉट की डेटा केबल और आइकोनॉक्स की 100 वॉट की डेटा केबल को ले जा सकते हो क्योंकि जूक और यूबोन की कंपेयर में इन दोनों की क्वालिटी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ आउटपुट चाहिए तो आप इनमें से कोई सी भी डेटा केबल को खरीद सकते हो, लेकिन अगर डेटा केबल की क्वालिटी बेहतर चाहिए तो आप रिबेरा या आइकोनॉक्स की ओर जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सी डेटा केबल बेहतर रहेगी और एडेप्टर का यहाँ पे क्या खेल होता है, क्योंकि मेन जो है वो एडेप्टर ही है। एडेप्टर ही आपकी डेटा केबल में पावर को सप्लाई देता है। अगर आपके पास बढ़िया कंपनी का एडेप्टर है तो आप कोई सी भी डेटा केबल ले जाओ, आपको फास्ट चार्जिंग हमेशा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई बेकार कंपनी का एडेप्टर है, आप कितनी भी बढ़िया डेटा केबल को रख लो, आपको कभी भी बढ़िया चार्जिंग आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और अगर हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।